हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट के बारे में। तो क्या होता है, डेटाबेस में जो फील्ड होती है ना, वो नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको री इन्फोर्स करूँगी कि नल वैल्यूज एक्सेप्ट ना करे, इसके लिए मुझे कॉन्स्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप ये कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल। मैं पर्सन के नाम से टेबल क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पे आपने ना फील्ड्स के नाम डालने हैं, आईडी इन। मैं चाहती हूँ कि जो आईडी है ना वो नॉट नल वहाँ पे कॉन्स्टेंट अप्लाई हो जाए। और उसके बाद मुझे फुल नेम वहाँ पे भी मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं डालूंगी एज। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया और इन दोनों पे मैंने कॉन्स्टेंट अप्लाई किया है, आईडी पे और फुल नेम पे। तो इसको गो पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल क्रिएट हो चुका है पर्सन के नाम से। अब मैं क्या करूंगी, मैं स्ट्रक्चर में जाऊंगी और देखूंगी कि मैंने जो कॉन्स्टेंट अप्लाई किया था वो उसके ऊपर लग चुका है। मैं पर्सन के टेबल पे जाऊंगी और यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर में जाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आईडी पे नो लिखा हुआ है और फुल नेम पे भी नो लिखा हुआ है, यानी कि ये नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन मैंने एज के ऊपर नॉट नल का कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे आपको यस दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ना फील्ड के ऊपर नॉट नल का कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हो ताकि आप उसको री इन्फोर्स कर सको कि वो नल वैल्यूज एक्सेप्ट ना करे।